बात है, वो अकेला आदमी वन मैन शो कुछ भी नहीं कर सकता है, समझ में। ये मुझे परसों ही पता लग गया था, परसों निकाला है वो। इतने अच्छे ढंग से इनको सजाया गया है, जूताओं की माला इनके गले में है, चप्पलों की माला इनके गले में है, क्यों है? क्योंकि इन्होंने इस तरीके से जो काम किए, इनके जो कारनामे हैं, और महिलाएं जूतों से सबक सिखा रही है, इनकी अर्थी का ये हाल है, तो इनका क्या हाल होगा, ये आप देख रहे हैं बहुत तादाद के अंदर। और जो सफाई कर्मचारी जो इस पूरे देश को साफ, वो इनकी अर्थी को हाथ लगा रहे हैं और जूतों और चप्पलों की माला इन्हें पहनाए जा रहे हैं। एक महिला ने अपने चप्पल और जूतों से इनका स्वागत करना स्टार्ट कर दिया, इनके इस तरीके की हरकत। सबका विकास, मैं एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने 2015 में एक आदेश दिया था कि भाई 2015 में लाल किले से कि हमने 40 कानूनों के मजदूरों का काट के 4 कानून छोड़ दिए, वो 4 कानून बताए जाए। जैसे कि पीछे कहा था कि मजदूरों की जो लड़ाई है वो जो है कर्मचारी को निगाड़ना आसान हो जाएगा, नो भाट टाइम की स्टेटमेंट है, जस्ट लीगल में परसों की स्टेटमेंट है, कल आइए नो भाट टाइम्स के अंदर कि भैया जो पेंशन कर्मचारी को मर जाता है उसके बाद में मिलती है उसको 60 साल की बात देंगे। तो ये सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? ये तो मजदूरों का शोषण होगा, ये बीजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी RSS घंटे पे चल रही है और ये मजदूरों का शोषण करती है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजदूर वो बीजेपी का लोगों ने जलाया, उसी बीजेपी के उसी संविधान के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के अंदर वो लोग जाते और उसी संविधान को वो लोग जलाते। ये तो वो लोग बताएंगे, ये RSS वाले लोग बताएंगे कि वो संविधान को मानते या नहीं मानते। हम संविधान को मानते, 70 साल से हम लोगों का शोषण होता है, आज भी हो रहा है, फिर ये कौन लोग नहीं मान रहे? हम तो आपके सामने खड़े हैं, हम कोई अनलीगल काम नहीं कर रहे, मजदूर लोग हैं, सिर्फ पेट की लड़ाई है हमारी, पेट की लड़ाई के लिए हम लोगों से भीख मांग रहे हैं।